हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचे चैनल में। दोस्तों, आपके लिए हाजिर है लेकर एक फिर से वीडियो, जिसमें आपको हम बताने वाले हैं कि अगर आपका मोरपंखी का पौधा ख़राब हो गया है तो आप उसे कैसे फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं, या आपका कोई भी पौधा जो आप नर्सरी से लेकर आते हैं और वो ख़राब हो जाता है, उसकी पत्तियाँ कुछ इस तरीके से सूख जाती हैं और कहीं पर भी कोई हरी पत्ती नहीं बचती है, केवल उसका अगर हम तना तोड़ के देखते हैं या उसकी जो ब्रांच है वो तोड़ के देखते हैं तो वो हरी रहती है, उसमें मॉइस्चर होता है, तो आप उसे कैसे जीवित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए हमारे पास एक पौधा है और इसको हम जो मिट्टी है, ये लाल मिट्टी होती है, इसमें इसको पूरी तरीके से निकालना है। पहले धीरे धीरे करके इसको हाथों से निकाल लेंगे और उसके बाद देखिए जो सॉइल मिक्सचर है वो आपको क्या लेना है, उसमें हमने दो भाग मिट्टी ली है और एक भाग वर्मी कंपोस्ट ली है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं। अब देखिए ये जो पौधा है, इसको हम धीरे धीरे हाथों से इसके ढेले को फोड़कर इस मिट्टी को हम हटा देंगे। दोस्तों, मिट्टी को हटाने के बाद आप चाहें तो इस मिट्टी को आप इसी सॉइल मिक्सचर में मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी ज़्यादा है तो आप इसको ना ऐड करें और दूसरी मिट्टी भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब इसको हम एक गमला लेंगे। गमला आपको ध्यान रखना है कि 10 इंच से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर आपका पौधा लगभग उसकी हाइट 1 फीट के आसपास है तो आप 10 इंच का गमला ले सकते हैं, 10 से 12 इंच का भी ले सकते हैं, और लेकिन उससे छोटा ना लें। और ध्यान रखें कि उसमें बहुत सारे नीचे होल होने चाहिए ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर हो वो आसानी से निकल जाए। अब जब मिट्टी आपको भरनी है तो नीचे थोड़ा मिट्टी डाल के उसके बाद उसको अच्छे से दबा देना है ताकि उसमें एयर स्पेस ना रहे, और उसके बाद पौधे को रखकर फिर इस तरीके से मिट्टी भरनी है। ये देखिए इस तरीके से मिट्टी भर लेने के बाद आपको फिर से ऊपर से मिट्टी को धीरे धीरे हाथों से दबाना है ताकि उसमें ज़्यादा स्पेस ना बचे, और इस तरीके से मिट्टी कस जाएगी तभी ये पौधा ग्रोथ कर पाएगा। अगर आप ढीला मिट्टी छोड़ देंगे तो इस पौधे की जड़ें ख़राब हो जाएंगी और पौधा नहीं चल पाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको लगा दिया है। लगाने के बाद अब इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक केमिकल चाहिए होगा। अगर आपके पास वो केमिकल नहीं है तो उसका भी तरीका हम बताएंगे अभी। तो ये देखिए ये हमारे पास फंगीसाइड पाउडर है, ये साफ नाम से आता है, और इसके पाउडर की लगभग 1 चम्मच मात्रा हम इसमें डालेंगे 10 इंच के गमले में। इस तरीके से हम बिखेर देंगे चारों तरफ से और उसके बाद हम इसमें वाटरिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से पानी आपको देना है। पानी देने के बाद पानी आपको इतना देना है कि उसमें पहली बार जो मिट्टी सूखी है तो वो नीचे तक अच्छे से मॉइस्चर उसमें पहुंच जाए, और इसके बाद इसको छाया में रखना है, धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। तो ये देखिए पौधे को हमने लगा दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं इसके आगे का अपडेट। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अभी पौधे को लगाए हुए 2 महीने बीत चुके हैं, क्योंकि ये मोरपंखी का पौधा बहुत ही धीमी ग्रोथ से चलता है, इसलिए इसमें अब जो पत्तियाँ सूखी थी वो बिल्कुल सूख चुकी हैं और गिर चुकी हैं, लेकिन इसमें नई नई पत्तियाँ आना शुरू हो चुकी हैं। इस प्रोसेस को आप कभी भी कर सकते हैं, कोई पौधा आपका हो किसी भी महीने में आप लगा सकते हैं। बस जो ज़्यादा जब टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, जैसे दिसंबर जनवरी का जो महीना होता है, उसमें आप ना करें। उसमें करेंगे तो आपकी जो पौधा है वो मरेगा नहीं, लेकिन उसको पत्तियाँ नई आने में कम से कम 2.5 से 3 महीने लग जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं इससे भी आगे का अपडेट। तो फ्रेंड्स, ये देखिए फाइनली अब 4 महीने बीत चुके हैं, और 4 महीने में देखिए मोरपंखी का जो पौधा है वो बहुत ही अच्छी हेल्थ पर आ चुका है, बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो चुकी है, और ये पौधा अभी भी उसी गमले में लगा हुआ है। इसकी जो ख़राब ये टहनियाँ हैं इनको हम काट कर हटा देंगे। तो ये पौधा देखिए हर जगह से इसमें नई ब्रांचेस निकल रही हैं, नए कलर निकल रहे हैं, बहुत जल्दी ये पौधा बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। और अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो आप इसकी मिट्टी में थोड़ी सी सरसों की जो खली होती है उसका पाउडर आप 2 से 3 चम्मच मिलाकर तब आप इस पौधे को लगाएं, तो ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और इस तरीके से आप कोई भी पौधा, आपका किसी भी प्रकार का जो वार्षिक पौधे होते हैं, एनुअल पौधे होते हैं, उनको आप बचा सकते हैं अगर आपका पौधा ख़राब होने लगा है। खास करके ये खराबी तब आती है जब नर्सरी से पौधे लाने के बाद उनकी सॉइल जो है हम लोग हटाते नहीं हैं, और जब उनको पानी ज़्यादा मिल जाता है या फिर बहुत ही कम पानी मिलता है तब पौधे ऐसे हो जाते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमने बहुत ही काफ़ी दिनों के बाद इसका अपडेट लेने के बाद आपको वीडियो दिया है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।